हेलो दोस्तों, मैं गौरव बोध एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज सॉल्यूशन में। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में नेट 2018 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम आगे नेट के ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसे डिस्क्राइब करेंगे। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। व्यू फाइंड इज द टूल यूज फॉर, व्यू फाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। इसके ऑप्शन हम दिए गए हैं दोस्तों। इसका आंसर है लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम, जो कि थर्ड उस पर दिया गया है दोस्तों। व्यू फाइंड एक लाइब्रेरी रिसोर्स पोर्टल है जिसे लाइब्रेरीज के द्वारा लाइब्रेरीज के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था। व्यू फाइंड का मेन गोल अपने यूजर्स को लाइब्रेरी के सभी रिसोर्सेज को सर्च करना और ब्राउज करने में सक्षम करना था, ताकि ओपैक के रिसोर्स सर्विसेज को रिप्लेस कर सकें, जैसे कि कैटलॉग रिकॉर्ड्स, लोकली कैश्ड जर्नल, डिजिटल लाइब्रेरी आइटम्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, इंस्टीट्यूशनल बायोग्राफी एंड अदर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड रिसोर्स। इन सबको व्यू फाइंड इज कम्प्लीटली मॉडुलर, सो यू कैन इम्प्लीमेंट जस्ट द बेसिक सिस्टम और ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स, एंड सिंस इट इज ओपन सोर्स यू कैन मॉडिफाई द मॉड्यूल्स टू बेस्ट फिट योर नीड, और यू कैन एड न्यू मॉड्यूल्स टू एक्सटेंड योर रिसोर्स ऑफरिंग्स। दिस इज द फुल डिस्क्राइबनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द डेलनेट, यानी कि कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जो डेलनेट के द्वारा नहीं दिया गया था। दोस्तों इसका आंसर है डेलमस, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो डेलनेट भारत का सबसे बड़ा और पहला रजिस्टर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो कि 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, से आप निसाट के नाम से भी जानते हैं, की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया था। डेलनेट को पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता था, बट आफ्टर 2000 इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। डेलनेट को 1992 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि दिल्ली लाइब नेटवर्क के नाम से रजिस्टर किया गया था। अब बात करते हैं डेलनेट के द्वारा डेवलप किए गए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आपके कुछ एग्जांपल्स मैंने आ दोस्तों उसमें दिए भी हैं, डेलमोस, डेल विंडोज, डेल प्लस एंड डेलसिस। दोस्तों जो डेलमस सॉफ्टवेयर है, ये एक डेसीडॉक के द्वारा 1988 में डिफेंस पर्पस के लिए तैयार किया गया था, और डेलमेस को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी वो कोबोल लैंग्वेज थी, जिसमें इसको प्रोग्राम किया गया था। और इसकी टैगलाइन है दोस्तों, जो डेलनेट की टैगलाइन है वो है नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेल इन देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपने संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड मणिपुर। दोस्तों इसका आंसर है वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, जिसमें लाइब्रेरी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्यों में लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैं जो लगे हुए हैं। वो 1988
स्टेट्स हैं जिनमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अभी वर्किंग है। यहाँ हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सभी स्टेट्स के लाइब्रेरी और उनके ईयर को शो कर दिया है, और साथ ही साथ हमने उन स्टेट्स को हाईलाइट किया है जिनमें लाइब्रेरी सेस लागू किए गए हैं, जैसे तमिलनाडु जिसे मद्रास के नाम से जानते हैं 1942 में 10% लेता है, आंध्र प्रदेश 8%, कर्नाटका 6% एंड केरला 5%। अदर्स में है बस बहुत कम है जिसको हम उसमें नहीं काउंट करते हैं, तो मेन ही चार ही हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ लैंप गिवन बिलो, नीचे दिए गए लैंप के घटकों को पहचाने। ऑप्शन है लाइनेक्स, एक्रोडॉट, माइस्क्वेल, पर्ल। दोस्तों इसका आंसर है लाइनेक्स एंड माइस्क्वेल। लैंप एक ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो चार मेन पिलर्स पर आधारित है। पहला है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड अपाचे वेब सर्वर, माइस्क्वेल फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, और चौथा है दोस्तों PHP। PHP एक्रोनिम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का, जिस इन सभी का उपयोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में करते हैं। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, PHP के स्थान पर हम पर्ल लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज के यूज भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग IPR रिलेटेड एक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। भारत के निम्नलिखित IPR संबंधित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ दोस्तों दे दिया गया है, इन्हें एक क्रम में लगाना है इनके ईयर वाइज। तो इसका दोस्तों अगर हम देखें तो कॉपीराइट एक्ट सबसे पहले आया था, इसका जो आंसर है वो है पहला ही है दोस्तों ADBC। पहले जो आया था कॉपीराइट एक्ट आया था, उसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट, उसके बाद डिजाइन एक्ट, और सबसे लास्ट में आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसे IT एक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों कॉपीराइट एक्ट 1957 में इनेक्ट किया गया था, और डिजाइन एंड IT एक्ट 2000 में इनेक्ट किया गया था, बट जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो 99 में इनेक्ट हुआ था, इसलिए ये फर्स्ट कोड सही है ADBC। इसके अलावा मैंने मोस्टली सभी एक्ट्स को यहाँ विद ईयर शो कर दिया है, आप इन्हें एक बार देख लें और याद कर लें, क्योंकि इनमें से कोई सा भी ज़्यादातर तो IT एक्ट या कॉपीराइट एक्ट या पेटेंट एक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन कोई सा भी आएगा तो आप उसको डीप थोड़ा देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग एंटिटीज अकॉर्डिंग टू FRBR मॉडल। FRBR मॉडल के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं की व्यवस्था करें। ऑप्शन हैं आइटम, एक्सप्रेशन, वर्क, मैनिफेस्टेशन। दोस्तों इसको याद रखने का एक कोड है WEMI, WEMI, और मैं WEMI इसलिए हम उसे सिंपली देख सकते हैं। इसका आंसर जो है पहला ही है CWBEM4DNAI WEMI। तो FRBR stands for Functional Requirements for Bibliographic Records। दोस्तों FRBR को तीन ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप जो है वो वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम है, जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये सभी आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
जो कि हमने इधर बताया भी है, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा। ग्रुप टू में जो आते हैं इसमें पर्सन, फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी के लिए दिए गए हैं, जो ग्रुप वन के आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल संरक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ग्रुप थ्री में जो हैं अब इसमें है कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेस टर्म्स इंक्लूड हैं, जो कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के इंटेलेक्चुअल प्रयास के सब्जेक्ट्स हैं, उसको इधर दिखाया गया है। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर वेब सर्च कर सकते हैं अपने आप से भी एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फायोल इन प्रॉपर सीक्वेंस। हेनरी फायोल द्वारा प्रबंधन के निम्नलिखित सिद्धांतों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों हेनरी फायोल के 14 लॉ थे, जिसमें से चार उठा के यहाँ दिए गए हैं। इन अगर आपको प्रॉपर याद हैं विद सीक्वेंस तो आप इन्हें यहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड, ACDB, यानी कि जो क्रम है उसमें पहले डिवीजन ऑफ वर्क आएगा, उसके बाद डिसिप्लिन है, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड है। हमने वो 14 के 14 नियम इधर साइड में दिखा भी दिए हैं। दोस्तों हेनरी फायोल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। हेनरी फायोल जो कि 1841 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया था, जिसे फायोलिज्म के नाम से जाना जाता है। इन 1916 ही पब्लिश द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप सभी प्रिंसिपल को विद सीरियल एक बार दोहरा लीजिए, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, रिमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चैन ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, स्पीड द कॉर्प्स, आप इनको याद कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैनेजमेंट उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोटकाज लॉ डील्स विद लोटका के कानून से संबंधित है। और यहाँ ऑप्शन देते गए हैं, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि लोटका का जो नियम है वो किस चीज़ पे बेस्ड है या किस पे है। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर्स इन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। दोस्तों लोटका का पूरा जो नाम था वो अल्फ्रेड जे लोटका है, और ये जो लोटका लॉ है ये 1926 में दिया गया था, और इसकी जो इक्वेशन मैंने यहाँ दिखाई है एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू सी, ना मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पब्लिकेशन, सो वाई क्या होता है नंबर ऑफ ऑथर कैरियड विद एक्स पब्लिकेशन, एन क्या है नंबर ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट, यानी कि कितने साइंटिफिक सब्जेक्ट्स अंडर दिस पब्लिकेशन, उसमें एन इक्वल टू है, सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और दोस्तों मैंने दो और बिब्लियोमेट्रिक्स लॉ हैं इसमें ऐड किए हैं विद थ्योरम, जैसे कि ब्रैडफोर्ड लॉ है, ब्रैडफोर्ड लॉ का इनका पूरा नाम था सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड, और इन्होंने स्कैटिंग ऑफ आर्टिकल्स ओवर डिफरेंट जर्नल्स का लॉ सन 1934 में दिया था। इनकी थ्योरम है n n square n cube, जहाँ पे दोस्तों n जो है नंबर ऑफ आर्टिकल है। सेकंड है जिप्स लॉ, इनका पूरा नाम था जॉर्ज किंग्सली जिप, इन्होंने 1935 में जिप्स लॉ दिया था। उसकी जो ये इस पे बेस्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्ड इन अ टेक्स्ट, और इसकी थ्योरम है दोस्तों यही आर मल्टीप्लाई एफ इक्वल टू सी, जहाँ पे आर रैंक है, एफ फ्रीक्वेंसी है,
और सी कांस्टेंट है। इनको कैसे निकालते हैं, कैसे इनको वो करते हैं, इसके लिए एक पीपीटी अलग से मैं बना दूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों अभी। बाकी इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व है। ऑप्शन हैं पीपल, परचेज, पावर, प्रोडक्ट। दोस्तों इसका आंसर है प्रोडक्ट, जो कि मार्केटिंग 4 P's में से एक है, मार्केटिंग मिक्स के 4 P में से एक है। मार्केटिंग मिक्स एक एक्शन बिजनेस सेट है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर को प्रोवाइड कराता है, और ये अपने कस्टमर्स को दी गई सर्विस को जानने में हेल्प करता है कि वो राइट टाइम में, राइट प्लेस में, राइट प्लेस, राइट प्राइस में राइट प्रोडक्ट मिलता है या नहीं, ये उसको जानने का एक टेक्निक है दोस्तों मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 P's जो कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है, वो मैंने वहाँ दिखा दिए हैं, आप इनको एक बार थोड़ा पर देख लीजिए। इसके अलावा मैंने नीचे 4 P's जितने भी थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सभी को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि प्लेस कहाँ कहाँ कैसे, और प्राइस उनको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग स्टार्ट, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग कब शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1970, 71, 85, 91। दोस्तों इसका आंसर है 1971। में अमेरिकन राइटर माइकल एस हार्ट के द्वारा चलाया गया था, जो कि ओल्डेस्ट डेटेड लाइब्रेरी है, जो ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है दोस्तों। दोस्तों प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग एक एफर्ट है जो कि कल्चरल वर्क को डिजिटल और एक स्थान पर संग्रह करता है, और साथ ही साथ यह ई बुक्स क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इनकरेज करता है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों मेरे को ज़्यादा मिला भी नहीं है, बाकी इसके बारे में इतना ही है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा मिले तो प्लीज़ कमेंट में लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों आज की हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।